ने बनाई दूरी, तब मोदी ने पहुंचाई मदद। सीरिया संकट पर आगे आया भारत। भूकंप से सीरिया में भले ही तुर्की के मुकाबले तबाही कम हुई हो, लेकिन सीरिया में मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। तमाम पाबंदियों के बीच भारत ने सीरिया तक मदद पहुंचाई है। सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद सीरिया के दूतावास ने भारत में लोगों से दान करने की अपील की। तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी भारत की तरफ से बड़ी मदद भेजी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए जल्द ही भारत से भेजी गई राहत सामग्री सीरिया पहुँच जाएगी। नमस्कार, देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज एजेंसी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ मालिका ठाकुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता दुबे। बोल की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मची तबाही की। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। इस भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और संख्या ने सभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। अब तक भूकंप से दोनों देशों में 25,132 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में सोमवार को 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। सिर्फ तुर्की की बात करें तो भूकंप से अब तक 20,665 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80,080 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीरिया में भूकंप से 4,467 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आपको बता दें कि 5,338 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। टर्की साइड से हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, और ऐसे माहौल में जब जो डेवेस्टेशन का स्केल इतना ज़्यादा है और डायनेमिक सिचुएशन है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो एस्केलेट होती जा रही हैं, तो इस बैकग्राउंड में हमें प्राप्त हुई है रिक्वेस्ट, और उनको प्रोसेस किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितना बेहतर हम इन रिक्वेस्ट को एड्रेस कर सकें। और तुर्की में भूकंप की त्रासदी के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन सब के बीच भूकंप के झटके भी लगातार आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो नूरदाग इलाका है वहां पर काम कर रही है। मेरे साथ आप देखेंगे जो पीछे आप येलो कैप में देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम है। और अभी जो जानकारी मिली है वो ये कि यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं, फंसे हुए हो सकते हैं, लिहाजा यहां पर अभी इस बात की गुंजाइश तलाशी जा रही है कि क्या मलबा वहां से हटाकर किस तरीके से उस जो कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाला जा सके। देखिए लगातार जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो रणनीति बनाने पर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो एनडीआरएफ के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए सबसे हैरानी की बात, जब हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं तो अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ भूकंप का झटका महसूस किया गया था। लगातार आफ्टर शॉक आ रहे हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 90,000 के करीब लोग घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। ये 6 तस्वीर आप देखें किस तरीके से जो दरारें हैं वो भयानक दरारें दिखती हुई नजर आ रही है। गांव के गांव उजड़ते हुए नजर आ रही है। मलबे के नीचे जिंदगियां दबी हुई है। हालांकि कई जिंदगियों को बचा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन बीतता हुआ समय नजर आ रहा है उससे अब संभावना जिंदगी बचाने की बेहद कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से एक्शन में एनडीआरएफ की टीमें दिखाई दे रही हैं, और एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा जो अस्पताल बनाया गया है वहां पर तुर्की में इस त्रासदी में जो घायल हुए लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। सीरिया में भी महातबाही देखने को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग जो मौत का आंकड़ा है वो 5,000 के करीब पहुंचने वाला है। बर्बाद हो चुका है भारत समेत दुनिया के कई देश अब तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बिल्कुल, ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर जिंदगियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जिंदगियां बचाई जा रही है। वहीं ड्रोन से सामने आई दरार की तस्वीरें भी डरा रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद अब बाढ़ का कहर भी बरपा रहा है।